अवेरी वाम वेलकम टू ऑल द स्परेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड information साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी एल एस सी एल एस एम एल एस कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं ये यूनिट टेन है जो कि पार्ट है एम एल आई आई वन जीरो टू का ब्लॉक थ्री चल रहा है तो हमने लास्ट जो लेक्चर कवर किया था वो आई एस ओ स्टैंडर्ड से ऊपर का हमने पूरा कवर कर दिया था अब यहाँ से रह गया था तो इसको हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं कोई भी डाउट हो आपको इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके तो आई एस ओ स्टैंडर्ड ट्रूली स्पीकिंग टिल टिल डेट नो सेट स्टैंडर्ड एग्जिस्ट एज सच फॉर द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोला गया है कि एज सच टूडे आज के डेट भी जब भी आप पढ़ रहे हैं कोई भी स्टैंडर्ड ऐसा फिक्स नहीं किया गया है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिगार्डिंग हावेवर देर आर रिलेटेड गाइडलाइन गाइडलाइन कुछ हैं विच डील विद द इशूज ऑफ मेकिंग यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट तो इसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप मतलब डील करने के लिए कुछ गाइडलाइन बनाए गए हैं ताकि जो भी कंटेंट है उसको यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके एक्सेसिबल ऑफ वेब डॉक्यूमेंट एंड स्टैंडर्ड डीलिंग विद द प्रोवाइडिंग विप्लोग्राफिक डिटेल जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट में दिया जाता है तो स्टैंडर्ड डेवलप बाई आई जो है फॉर विप्लोग्राफिक रेफरेंसेस या फिर इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे वेरियस स्टैंडर्ड है जैसे टू नाइनटीन नाइनटी सेवन नाइनटीन नाइनटी सिक्स हो गया एट हो गया वन हो गया और आ, आ, ये सारे हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पे मतलब अपनी तरफ से इन्होंने जारी किया था स्टैंडर्ड रिलेटेड टू डिज़ाइन हो गया होस्टिंग हो होटिंग हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विद मल्टीमीडिया कंपोनेंट कॉम्पोनेंट के रिगार्डिंग uh, तो ये भी वेरियस प्रकार के हैं जैस आपको देखना है और कुछ खास नहीं है इसमें आगे चलते हैं डब्लू डब्लू थ्री सी जो रिकमेंडेशन है इसके ये क्या होता है तो द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम दैट इज डब्लू डब्ल्यू थ्री सी एन इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मेड अप ऑफ पीपल फ्राम एक द इंटरनेट एंड वेल डेवलप कंट्रीज वेल जो डेवलप कंट्रीज हैं इनके लिए ये था फ्राम इंडिविजल टू रिप्रजेंटेशन ऑफ मेजर जो कॉरपोरेट्स है लाइक आई वी एम हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया नेस्कैप uh, हो गया सन जो माइक्रोसटम हो गया वेरी मतलब जो हैं वो सब इस चीज़ को इस्तेमाल करते थे ऑन दिसंबर फोरटीन नाइन्टीन नाइनटी फोर इट्स फंक्शन इज़ टू ओवरसी सी द फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ एच टी एम एल एज़ वेल एज़ द वेरियस जो यहाँ पे वेब रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है एंड लैंगवेज़ इसमें सी डबल एस हो गया या एक्स एम एल हो गया या एक्स एच टी एम एल हो गया ये सब लैंग्वेज़ है इसमें कवर होते हैं कंसोर्टियम इंडिविजअल वर्किंग ग्रुप फोकस ऑन द इशूज जो होते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसके अलावा यहाँ पे बात करें वेब कंटेंट एक्सेसबिलिटी गाइडलाइन एंड जो कि चेक पॉइंट है तो डब्ल्यू थ्री सी गाइडलाइन इंक्लूड जो सजेशन है फॉर कंटेंट एंड एज वेल एज इट्स प्रजेंटेशन हो गया ऑन द वेब एंड आर मेड फॉर वेब कंटेंट डेवलप्स बोथ द ऑथर एंड ऑल्सो द जो वेबसाइट आर्किटेक्ट्स हैं इनमें दो दीज गाइडलाइन जो है बेसिकली डील विद एक्सेस जो एक्सेसिबिलिटी है इश्यूज एंड मोर यूजफुल जो फिजिकली चैलेंज जो कंटेंट है इसमें द गाइडलाइन जो है यहाँ पे उसके यहाँ पे कुछ रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं जैसे प्रायोरिटी प्रायरिटीज़ हो गया जो प्रायरिटी वन हो गया ऐसे करके यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह को यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना ये कुछ ख़ास है नहीं जैसे कि जो गाइडलाइन सेकंड की बात करें जैसे गाइडलाइन फर्स्ट क्या है जैसे कि प्रोवाइड जो यहाँ पे इक्वलेंट जो अल्टरनेटिव अथॉरिटी है एंड विजुअल कंटेंट फिर सेकेंड है डू नाट रिले ऑन कलर अलोन थर्ड गाइडलाइन है यहाँ पे यूज़ मार्कअप एंड स्टाइल शीट एंड डू सो प्रॉपरली ये इतना खास नहीं है जस्ट टू आपको ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए इसलिए इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करा रहा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड है उसको हम ज़्यादा कवर कराएँगे डेफ्थ में फोर्थ है क्लैरिफाई नेचुरल लैंग्वेज इमेज लाइक यूजिंग मेकअप मार्कअप हो गया डेट फैसिलिटेट करता है पंक्चुएशन हो गया ये सारी चीज़ें गाइडलाइन फाइव है क्रिएट टेबल डैट ट्रांसफॉर्म जो ग्रेसफुली उसके अलावा गाइडलाइन सिक्स है इंश्योर डैट पेज जो फीचरिंग न्यू टेक्नोलजी हो गया ट्रांसफ़र करता है ग्रेसफुली उसके अलावा सेवंथ हो गया इंश्योर इंश्योर यूज़र कंट्रोल ऑफ टाइम सेंसिटिव कंटेंट चैलेंज चेंजेस गाइडलाइन एट हो गया इंश्योर डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ एम्बेडेड यूज़र इंटरफेस गाइडलाइन नाइन हो गया डिज़ाइन फॉर डिवाइस इंडिपेंडेंस गाइडलाइन टेन है यूज़ यूज जो इंट्रीम सॉल्यूशन है इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन uh, जो इलेवन है ये है यूज़ डब्ल्यू थ्री सी टेक्नोलॉजी एंड गाइडलाइन तो ये वेरियस गाइडलाइन जो है यहाँ पे ट्वेल्थ भी है थर्टीनथ भी है एंड फोर्टीन भी है काफ़ी सारे हैं तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे एंड होता है उसके बाद जो नेक्स्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे हेडिंग um, है वो है इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट एंड कोडिंग एंड इंटरचेंज तो ये क्या है ये भी देख लेते हैं तो सबसे पहले ओरिजन तो ओरिजन में द टेक्स्ट एंड कोडिंग इनिशियेटिव दट इज टी ई आई एंड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च एफर्ट्स वॉज स्पॉन्सर्ड एंड ऑर्गेनाइज बाई थ्री लीडिंग प्रोफेशनल एसोसिएट है इन द फील्ड ऑफ ए सी एल डैट इज एसोसिएशन फॉर कॉम कॉम्प्यूट टेनल जो लिंग्विस्टिक है इसके इसमें ऑन वेरियस अदर थिंग भी यहाँ पे कवर होता है ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देयर आर मैनी डिफरेंट ऑप्शन हैं जो अवेलेबल है टू तो पब्लिश इंफॉर्मेशन टूडे विच कैन बी इन इन एनी फॉर्म जो मतलब किसी भी फॉर्म में यहाँ पे पब्लिश होते हैं आ, हावेवर इंफॉर्मेशन इन एनी पैकेज इज़ अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है किसी भी पैकेज में अवेलेबल है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फिजिकल फॉर्म फिजिकल फॉर्म की बात छोड़ के एस टेक्नोलॉजी इमर्ज जनुअली एडिक्वेट टू द टास्क ऑफ इंटीग्रेटिंग टेस्ट ग्राफिक एंड ऑडियो इंटू सीमलेस इंफॉर्मेशन जो जो बी uh, ब्रिंग है इसमें मतलब कि Uh, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है इमर्ज होते गया तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो गया कि चीज़ों को ग्राफिक फॉर्म में लाया जा सके टेक्सचुअल फॉर्म में ऑडियल ऑडियो विजुअल फॉर्म में लाया जा सके टी ई टी ई आई स्कीम जो है इनहेंस करता है द कंटेंट ऑफ फैसिलिटेटिंग दिनीग्रेसन ऑफ मल्टी मीडिया टेक्नोलॉजी हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स हो गया टी ई आई इज इंटरेस्टेड इन टैक्स जो टी ई आई होता है वो इंटरेस्टेड किस चीज़ में होता है टेक्स में तो टी ई आई प्रोजेक्ट इज बेसिकली कंसर्न विद दो एस्पेक्ट से इसको कंसर्न होता है वॉट एंड हाउ वाट में आता है वॉट टेक्सुअल फ़ीचर शुड बी इनकोडेड किस तरीके के टेक्चुअल फ़ीचर जो है इनकोडेड है इलेक्ट्रॉनिक टेक्स में और हाउ में है हाउ डैट इनकोडिंग शुड बी रिप्रजेंटेड फॉर लॉस फ्री या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इंटरचेंज Inter उसके अलावा फीचर की बात करें तो द टी ई आई गाइडलाइन मेनली डील विद द विद एनी टेक्स्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दे आर मेंट फॉर फैसिलिटेटिंग टेक्स्ट प्रोसेसिंग ये बना होता है टेक्स्ट टेक्स लिए टी ई आई एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट द डिफरेंट जो फीचर है ऑफ टैक्स या विच Uh, which in turn make it easy to manipulate उसके अलावा यहाँ पे बाकी सारी जो चीज़ें आप लोग चाहे तो कवर कर सकते हैं डायनेमिक uh, कंटेंट इसको देख सकते हैं देखते हैं क्या है और ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट से और इसी के साथ ये यूनिट भी समाप्त हो जाएगा इन एडिशन टू स्टैटिक वेब कंटेंट स्टैटिक वेब कंटेंट के मतलब एडिशन में बात करें तो डायनेमिक कंटेंट जो होता है इस प्रोड्यूस फ्राम डेटा When, uh, जो सर्च एंड एक्सेस्ड ऑनलाइन मतलब जिसको आप सर्च कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन डायनेमिक कंटेंट्स कैन बी जनरेटेड वैन पेज इज़ रिक्वेस्टेड एट रेगुलर इंटरवल जो डायनेमिक कंटेंट है वो जनरेट हो, होता है जब पेज जो है वो रेगुलर इंटरवल में मतलब मांगा जा रहा है एंड स्टोर ऑन टेम्प्ररी बेसिस टेम्प्ररी जो वेबसाइट है इसमें स्टोर किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेटा डेटा अटैच्ड हो गया टू वेब डॉक्यूमेंट मे बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डेटा बेस जो कि डेटा बेस को यूज करके प्रोड्यूस किया जा सकता जाता है डायनेमिक कंटेंट कॉजेस प्रॉब्लम फॉर इंडेक्स इंडेक्सेस में जो है डायनेमिक कंटेंट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि वो uh, Uh, वो मतलब टेम्प्रेरी uh, जो वेबसाइट में स्टोर होता है एंड ऑल्सो कैचिंग में भी हवेवर डायनेमिक कंटेंट शुड फॉलो द जनरल नॉम वो एक जनरल लॉम एंड गाइडलाइन को फॉलो करता है ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट में इट कॉल फॉर मोर जो मिल मैथड है मेथड मैथड है इन जनरेटिंग सच कंटेंट या इंफॉर्मेशन एनालिसिस मेटा डेटा डिजाइन हो गया एंड डिज़ाइन ऑफ कंटेंट जो मैनेजमेंट सिस्टम में देखने को मिलता है तो ये पूरा आ, मतलब था इस यूनिट से रिगार्डिंग यूनिट टेन से रिगार्डिंग तो आपसे यूनिट एलेवन में मिलते हैं और आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद